मेरा नाम कुलविंदर है। मेरा जन्म एक सिख परिवार में हुआ। मैं बचपन से बहुत धार्मिक विचारों की थी। रोज पाठ करना और गुरुद्वारे जाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। हम लोग, मुझे याद है कि हर रविवार गुरुद्वारे जाया करते थे एज अ फैमिली, और साल में एक बार जो हमारा पिलग्रिमेज होता है, जो तीर्थ स्थान होते हैं, हम वहाँ पे जाया करते थे। जैसे हमारे पोंटा साहब और हरमिंदर साहब, इस तरह के अमृतसर वगैरह हम जाया करते थे। वहाँ पे जो भी सेवा करनी होती थी वो करते थे, जो लंगर की सेवा होती है और हर तरह के जो हमारे रिचुअल्स थे हम वो करते थे, कंप्लीट करते थे, और हम बहुत खुश रहते थे। मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता, हमारे पास सब कुछ था। लेकिन जब मैं 10वीं क्लास में आई तो मेरे पापा का जॉब छूट गया। पापा का जॉब छूटने के बाद मेरी मम्मी को जॉब करना पड़ा, और पापा कोशिश कर रहे थे कि वो नया कोई व्यवसाय शुरू करें। वो जितने भी व्यवसाय ट्राई करते थे उनमें किसी में उनको सफलता नहीं मिली। उस व्यवसाय को करने के लिए उनको अब हमारी संपत्ति बेचनी पड़ी। धीरे धीरे हमारी सारी संपत्ति बिक गई और हम कर्जों में डूब गए। फिर भी मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जॉब करते रहे और किसी तरह हमारी पढ़ाई पूरी करवाई 12th तक। और इन सब चीजों के बीच में हम सब बच्चे भी बहुत बीमार रहने लगे। मैं बहुत बीमार पड़ जाती थी, मेरे भाई बहन बहुत बीमार होते थे, तो मम्मी जो भी कमा कर लाती थी तो हमारी दवाइयों में और हमारे पालन पोषण में निकल जाता था। हम कर्जा उतार नहीं पाते थे और कर्जा और बढ़ता जा रहा था। इन सब बातों का मेरे ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा करते थे, हम किसी का बुरा नहीं करते थे, अपने धर्म की सारी बातें पूरी करते थे। तो मुझे एक मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिरकार परमेश्वर कौन है? क्या उसे हमारी तकलीफें नजर नहीं आती? हम जो झेल रहे हैं वो क्यों नहीं हमारी सुनता? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि हम लगातार इतनी परेशानियां झेल रहे हैं? मैंने 12वीं कंप्लीट की, उसके बाद जब मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी उसका खर्चा उठाने के लिए मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया कि ताकि मेरी पढ़ाई ना रुके। बहुत संघर्ष हम कर रहे थे। इस दौरान जितने लोग हमसे आके मिले कि हो सकता है तुम्हारे घर में उपरिस आया हो या ऐसी बात हो, तुम वहां चले जाओ, इस मंदिर चले जाओ, ये मन्नत पूरी कर लो तो तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा, ये हवन करा लो तो तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा। हमने सब कुछ किया, हर दरवाजे पर हम गए जहां पर हमें उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद यहां से हमारे घर में कुछ छुटकारा हो जाए, कोई हमारे घर का माहौल बदल जाए। हमारे घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत शुरू हो चुके थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 7-8 साल तक हम इस अवस्था में रहे और मैं बहुत नकारात्मक होती जा रही थी। और मैं ये सोचा इस तरह की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि इतने मेहनत करने के बावजूद भी हम कहीं पर भी पहुंच नहीं पा रहे थे। सब कुछ करना चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। मैं एक दिन उदास बैठी थी और उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो मेरी एक सहेली ने आकर मुझे बाइबल गिफ्ट की। उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम लोग उद्धार पाएं। उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि मेरे पाप क्षमा हो जाएं और मैं अनंत जीवन पाऊं। ये बात मुझे सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन ये बात मेरे दिल को छू गई कि क्या सच में एक ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए जान दी? क्योंकि अभी तक तो हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जाकर उसको चढ़ावे चढ़ाएं या नंगे पैर जाएं या चलिया करें या इस तरह की कोई धार्मिक रीति रिवाज जब हम पूरा कर लेंगे तब शायद उसकी दया की दृष्टि हम पर होगी और हमारे घर की सिचुएशन चेंज होगी। मैंने जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया परमेश्वर के वचन से मेरा जीवन बदलने लगा, मेरी सोच बदलने लगी। क्योंकि जैसे परमेश्वर के वचन ने मुझे सिखाया कि मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है क्योंकि वो मेरी चिंता करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, इस बात ने मेरे हृदय में बहुत घर किया। तो एक रात जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो प्रभु से मुझे दर्शन मिला कि प्रभु मेरे सामने बैठे हैं और हंस रहे हैं। कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, यीशु मसीह ही प्रभु है। मैंने उस दिन डिसीजन ले लिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई मेरे बाइबल पढ़ने को लेकर। मेरे मम्मी ने पहले विरोध किया कि तुम ये क्या पढ़ रही हो। मैंने कहा मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि या तुमने धर्म परिवर्तन करा लिया अपना, हमारी नाक कटा दोगी तुम। मैंने कहा मैंने कोई धर्म परम परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इस बुक को पढ़ने से मेरे मन को शांति मिलती है, मुझे यीशु मसीह अच्छे लगते हैं। तो मम्मी पापा को लेकर आ गई कि देखिए ये क्या कर रही है, इसने धर्म बदल लिया है। तो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा वो ऐसी कोई गलत किताब नहीं पढ़ रही जिसके लिए मैं उसे डांटूं, वो यीशु मसीह का वचन ही पढ़ रही है। तो
उसको पढ़ने से मैं नहीं रोकूंगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन उन्होंने मुझे नहीं रोका, लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि मैं यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी हूँ और बाइबल ही पढ़ती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये ठीक है तुम बाइबल पढ़ रही हो, पर तुम अपने गुरु ग्रंथ साहब वगैरह ये भी पढ़ो। तो उन्होंने मुझे लाकर पोथियां वोथियां लाकर मेरे सामने रख दी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो, उनकी इज्जत करो, जैसा वो चाहते हैं करो। तो मैंने वो पोथी भी पढ़ी, लेकिन उसमें सवाल थे और उसके जवाब मुझे बाइबल में मिले। जैसे उसमें था कि आद सच जुगाद सच, उसका मीनिंग है कि आदि में सत्य था। तो बाइबल कहती है कि यीशु ही सत्य है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह ने ऐसा कहा। तो मुझे वहां क्वेश्चन मिलते थे और आंसर मिलते थे, मैंने दोनों को कंपेयर करके अपने पापा को दिखाया कि देखो पापा यहाँ पे तो क्वेश्चन है लेकिन आंसर बाइबल में है। तो मेरे पापा ने फिर गिवअप कर दिया कि नहीं ये मेरी बात नहीं सुनेगी, ये अब यीशु मसीह की हो चुकी है। उन्होंने मुझे रोका नहीं फिर कुछ भी करने से। फिर मैं तब तक किसी चर्च में भी नहीं जाती थी, मैं सिर्फ प्रार्थना घर पर करती थी और मैंने अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया कि हमारे घर की सिचुएशन परमेश्वर चेंज कीजिए। धीरे धीरे मेरे पापा का जॉब लग गया, अभी तक कोई जॉब भी नहीं लगता था ना उनका कोई व्यवसाय वो कर पाते थे, पर उनका जॉब लगा, मुझे भी एक जॉब मिला और हमारे घर के जो कर्जे हैं वो धीरे धीरे उतरने लगे। हम सब बच्चे जो इतने बीमार रहते थे, मैंने परमेश्वर से जब प्रार्थना की तो प्रभु ने हमारे घर वालों को भी चंगा किया और हमारा जो खर्चा पैसा बाहर जाता था दवाइयों में, हर महीने कोई बीमार पड़ा होता था हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वो खर्चा हमारा बंद हो गया। परमेश्वर ने मेरे घर को आजाद किया, मेरे घर में शांति वापस लौट आई, कलेश नहीं होते थे, झगड़े नहीं होते थे, और मैं प्रभु का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर 2 साल के बाद जब मैंने प्रार्थना की, हमारे परिवार में एक दुखद घटना हुई, मेरी मासी ने सुसाइड कर लिया। और मेरी मासी बहुत धार्मिक महिला थी, हमसे कहीं ज्यादा वो धार्मिक थी, वो रोज सुबह नंगे पैर गुरुद्वारे जाना, सेवा करना, लोगों की मदद करना, इस तरह के काम करती थी, लेकिन उनके जीवन में फिर भी शांति नहीं थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया और सुसाइड कर लिया। इस बात से मेरी बात को सुनकर मेरी मम्मी को धक्का लगा और उनको सब उनके मन खुले कि ऐसे परमेश्वर का क्या फायदा जो उसे बचा नहीं पाया, जिसकी उसने इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, फिर भी उसने उसे नहीं बचाया। तब मैंने अपने पेरेंट मम्मी को बोला, अपनी बहन को बोला कि आप अब तो मेरे साथ चर्च चलिए, आप वहां पे अपने सवालों के जवाब यीशु मसीह से पूछिए। वो वहां गए और उन्होंने उनको वो शांति अनुभव हुई, यीशु मसीह से जब उनका साक्षात्कार हुआ उनके हृदय में परमेश्वर की शांति आई और उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया और हमारे घर में सिचुएशंस बदल गई। आज मैं विश्वास में हूँ, मेरी मम्मी विश्वास में है, मेरी बहन विश्वास में है, मेरा भाई विश्वास में है, लेकिन किसी हम में से किसी ने भी दबाव में आकर ये फैसला नहीं लिया। हमने परखा और जाना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब मुझे परमेश्वर से बात करने के लिए किसी खास जगह में जाने की जरूरत नहीं होती, मैं उनसे कभी भी बात कर सकती हूँ, कभी भी प्रार्थना कर सकती हूँ। मुझे कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं करना, वो मेरे हृदय में रहते हैं और मुझे जीवन में आजादी महसूस होती है। अब मैं शांत हूँ, मेरे जीवन में आनंद है, मैं किसी बात से अब डरती नहीं हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हैं, मैं उनसे मेरा एक रिश्ता है। तो मैंने कोई अपना धर्म नहीं बदला है, मैंने अपना जीवन बदल लिया है, मैंने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ स्थापित कर लिया है और मैं बहुत इसमें गर्व महसूस करती हूँ कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है और उसने मुझे सच में बचाया। यदि वो मेरे जीवन में नहीं आया होता तो मैं आज शायद जीवित ना होती। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।